सितम गर ये गुर्बत क्या करे। जल्दी जल्दी हाथ चला के स्त्री खत्म करो, बिजली का बड़ा बिल आता है बीबी। अब्बा तो रहे नहीं बेचारी के जो बिल अदा कर देते। सदफ को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था तो मैंने इसे कहा था साथ चलने के लिए। तुम अपना मुंह बंद रखो। जब क्लास एक है यूनिवर्सिटी एक है तो फिर साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे वजह बता दें। मैंने आपसे कहा था ना, कहा था यहाँ मत आए, यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं, लेकिन आपने आपने मेरी एक नहीं मानी। सितम गर ये गुर्बत क्या करे। सुनाइशा, जूनी जूनी बेटे, जुल्फी जुल्फी। अम्मी क्या वो शरोज, मैं उठ के बैठना चाह रही हूँ बेटे, थोड़ी सी घबराहट हो रही है मुझे, प्लीज उठा दे मुझे। थैंक यू। ओके, और पानी पीना चाहती हूँ। ओके ओके थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। जुल्फी जुल्फी, आवाज नहीं आ रही थी हमें, इतनी देर से आवाजें दे रही है। जाओ यहां से। जूनी कितनी देर पहले गई है? यहीं पर थी, मैं ये जरा सी आंख लग गई थी, अभी पता नहीं कहाँ है। कहाँ जा रही हो तुम? तुमने जो माहौल क्रिएट किया है उससे बाहर निकल के सांस लेने जा रहा हूँ। वो लड़की कल आई है, अम्मी ने दो बातें क्या सुना दी, तुम्हारा तो दम घुटने लगा है। मेरे लिए तो तुमने कभी स्टैंड नहीं लिया। किस बात पर स्टैंड लूं सदफ? वही बेवक्त की बात। हाँ तो और कौन से वक्त का इंतजार करूं, तुम चची जान को बता क्यों नहीं देते हम दोनों के बारे में? पहले इस काबिल तो बन जाओ सदफ कि मैं तुम्हें अम्मी के सामने ले जा सकूं। जब अभी तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, बात बात पे शक करती हो, अभी ये हाल है तो बाद में क्या करोगी? छोटी सी बात का तुमने इतना बड़ा तमाशा बना दिया है। तुमने उष्णा की नहीं मेरी भी बेइज्जती की है, तुम्हें मेरा एहसास करना चाहिए था। आज के वाक्य के बाद तुम सच में डाउट में हो। अब किस बात का डॉक्टर तुम्हें? हाँ अब सुनो, ये क्या दादा कह रही है? सदफ क्या कह रही थी? पीछे खड़ी है, पूछ लो उससे। तुम टेरेस पे उष्णा के साथ क्या कर रहे थे? पहले तो लगता था तुम्हारी बहन का ही दिमाग खराब है, अब तो यकीन हो गया तुम सदफ के ही भाई हो। ज्यादा बकवास की ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। चूड़िया मैंने भी नहीं पहन रखी है। अम्मी जा रही है, क्या हो क्या रहा है, कर क्या रहे हो तुम लोग? इसी से पूछे दायजान, मैं तो अपने रास्ते जा रहा था। तुम अपने हवासों में तो जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नफरत का बीज बो के ना आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। जाओ तुम यहां से, तुम जाओ यहां से, जाओ अंदर, चले चले अंदर। ये हो क्या रहा है हमारे घर में? क्या हो रहा है? मना किया था ना आपको कि इन फसादियों को यहां मत लेकर आए, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है। अब देख लिया ना आपने, बच्चों को आपस में लड़ा दिया दोनों ने, अब दोनों मां बेटी बैठी हुई मजे ले रही हूं। जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरे से पूछे बगैर अम्मी को छोड़ के मत आना, तो फिर तुम क्यों गई? शेरोज आंटी सो रही थी, मैंने काफी इंतजार भी किया, वो नहीं उठी तो मैं सो रही थी। सुनैशा लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मर भी सकती थी।
जब मैंने तुमसे कहा था कि बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी लेना, तो फिर तुमने क्यों ली? मुझे बताती तो सही तुम। मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने सुनने की जहमत ही नहीं की, मेरे मुंह पे फोन रख दिया। मेरी कमिटमेंट थी कहीं पे शेरोज। सुनैशा, तुम इंतहाई गैर जिम्मेदार और लापरवाह लड़की, और तुम्हें जिम्मेदारी देके मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। तुम्हें पता है मेरी अम्मी बहुत सीरियस पेशेंट है, और अगर मैं वक्त पे वहां ना पहुंचता तो पता नहीं। शेरोज, मैंने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन छोड़कर पूरा दिन आंटी को संभाला, अब आप मुझे इस तरह से बातें सुना के सिला दे रहे हैं। सुनैशा, प्लीज प्लीज मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मिल गया इनाम आपको आपकी हमदर्दी का। कैसे उस लड़की ने घर पे आते ही हमारे बेटे के साथ अपना नाम जोड़ लिया और उस पे इतना बड़ा इल्जाम भी लगा दिया। महनाज, मैं पहले इस मौजू पे भाई साहब के साथ बहुत सर खपा कर आ रहा हूं, तो अब इस बारे में तुम मजीद बात मत करना। आपको क्या लग रहा है, सिर्फ मैं बात कर रही हूं? मतलब आपके मासूम बेटे पर उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और आपको फर्क ही नहीं पड़ा? नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क। मेरे बेटे ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपना मुंह छुपाना पड़े। उषा ने उससे बात की थी ना, उसे इतना ड्रामेटिक करने की क्या जरूरत थी? यही बात मैं भाई साहब को समझा रहा था, बताना चाह रहा था, लेकिन सदफ उस वक्त सामने थी। भाई साहब की बेटी, इस लिहाज करना पड़ा मुझे। लेकिन तुम तो सदैव की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हो या नहीं? उसकी आदतें भाभी से कितनी मिलती जुलती। राय का पहाड़ बनाना उसे खूब आता है। दोनों को बातें करते देख लिया और कहानी घड़ दी। जो कुछ भी हुआ, आखिर में इल्जाम तो मेरे बेटे पे लगा ना। तुम्हारा बेटा तुम्हारे बेटे पे उंगली उठाई गई, उसका उसका दामन जो दागदार हो गया, उसकी फिक्र है तुम्हें? मेरी जो यतीम भांजी है, उसके बारे में किसी ने सोचा है कि ये सब कुछ सुनकर उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? मेरी पेवा बहन इज्जत में पड़ी हुई अपनी बेटी के बारे में सब कुछ सुनने की, उसका क्या हाल होगा? उसके बारे में किसी ने सोचा है? इस वक्त भी आपको अपनी बहन और भांजी की पड़ी है? आशा चादवा, जवाब नहीं है वैसे आपका। एक बात सच कहूं तुमसे महनाज, अपने समझ में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उन दोनों बेसहाराओं को यह सोचकर इस घर में ले आया था कि इज्जत सपनों के दरमियान रहेंगी। समाने की बकवास बातों से, गंदी नजरों से बची रहेंगी। देखिए मुझे क्या खबर थी कि मेरी ये नेकी उन दोनों के लिए इम्तिहान बनकर रह जाएगी। नाराज हो मुझसे? नहीं, किला तो अपनी किस्मत से है। सब लड़कियों के बाबा हैं। मेरे बाबा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? संभालो खुद को, हिम्मत करो। कैसे संभालूं? मेरे किरदार को बीच चौक पर टांग दिया गया, जिसका दिल करता है आते जाते पत्थर मारते हैं। मेरे किरदार पर, मेरी तरबियत पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मानते हैं दो लोगों की बातों पर, मैंने किया ना तुम्हारी तरबियत, मुझे भरोसा है तुम पर, पूरा पूरा भरोसा। आपके कहने से, आपके सोचने से क्या लोगों की सोच बदल जाएगी? क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम उनकी जुबान पकड़ सके? ठीक कह रही हो,
हम में इतनी हिम्मत और इस्तेदाद नहीं है कि हम किसी की भी जबान पकड़ सकें। लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, वो किसी से कमजोर नहीं है। वो पकड़ेगा जालिम की जबान, बोलेगा मतलब तुम पर लगे हर बात आन का। ये शीशा तो साफ करो, कितना गंदा हो रहा है। बेगम साहिबा, अभी तो मैंने साफ किया है। ये साफ किया है? ये देखो, निशान देख रही हो उस पे? बेगम साहिबा, सुबह से लगी। जबान मत चलाओ, मुंह रगड़ दूंगी मैं तुम्हारा। भाभी प्लीज, मेरा सर फट जाएगा दर्द से। जाओ छोड़ दो उसको, जाके किचन संभालो। जी अच्छा बेगम साहिबा। बर्तन समेट लेना। जी। और तुम्हें क्या हो गया है? हाँ भाभी, मुझे कभी कभी लगता है इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखा नहीं आपने, छटांग भर की लड़की ने आकर हमारे बच्चों में लड़ाइयां करवा दी। भाई तुम्हें हो रही होगी हैरानगी, मैं तो अच्छे से वाकिफ हूं इन सब चालबाजों से। और होती भी क्यों ना, अपनी इन गुनेगार आंखों से मैंने रंग रंग देखे जैनब के, जैसी माँ वैसी बेटी। भाभी मैं आपको क्या बताऊं, शुजात तो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। जरा सी कोई बात मैं उनकी बहन और उसकी बेटी के लिए कर दूं ना, तो बस देखें कैसा फसाद करते हैं, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। हाँ तो क्यों ना उठाएं, माँ बाप ने इतनी रोशन ख्याली से जो परवान चढ़ाया है औलाद को। जब लड़कों को रिझाने और फंसाने के गुर घर में ही सिखाए जाएंगे तो औलाद तो ऐसी होगी। वो बेचारा फुरकान, पता नहीं उसे भी किस दम दरूद में रखा, छोटी सी उम्र में ही चटपट निकल गया। मैं बता रही हूँ महनाज, ऐसी औरतों को ना अपना रास्ता साफ करने के गुर बहुत अच्छी तरह से आते हैं। वही तो ना भाभी, मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि पहले सुफियान, अब कहीं मेरा हुजैफा इस चक्कर में ना फंस जाए। सुफियान का नाम तो तुम अपनी इस लिस्ट से निकाल दो और हुजैफा की फिक्र करो। सुफियान की माँ का नाम रईसा है, रईसा। और रईसा को खूब अच्छी तरह से आता है एक नागन और उसकी सपोली का सर कुचलना। देखना, ऐसा चक्कर चलाऊंगी ना कि ये दोनों माँ बेटी बिलबिलाती रह जाएगी। भाभी मुझे भी बताए ना क्या करने जा रही है। वक्त आने दो, फिर सब कुछ बता दूंगी। जुनैशा प्लीज, मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। तो इसमें ये तीन चीजें हैं, एक ये करना तुमने और एक ये करना है। अब इसके बाद मुझे कोई शायद शेरोज, मेक श्योर मेरे कमरे में कोई ना है। तुम आ गई, चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं रहने दे, मैं खुद निकाल लूंगी। कब तक क्यों दुखी रहोगी? ये
मुसीबतें तो आती रहती हैं इंसान को मजबूत करने के लिए, भूल जाओ इनको। मैं तो भूलना चाहती हूँ लेकिन इस घर के लोग हैं ना, वो कुछ भूलने नहीं देते। मुझे एहसास है इस बात का कि मेरा यहाँ आने का फैसला दुरुस्त नहीं था। मेरा यकीन करो, मेरे पास कोई और हल नहीं था। मैंने आपसे कोई गिला तो नहीं किया। जानती हूँ मैं जबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी चीख चीख कर मुझे इल्जाम दे रही है। खुद को मुजरिम समझती हूँ मैं तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है और आप ऐसा ख्याल भी अपने दिल में मत लाएं। हाँ, तुम्हें ये सब ख्याल करने की क्या जरूरत है? वो ठेका तो हम लोगों ने लिया हुआ है। कोई काम था भाभी? काम था जब भी तुम्हारे रूम में आई हूँ। जासूसियां करने का शौक तो नहीं है मुझे। ये बिजली का बिल है और ये पैसे, पकड़ो इसे, भरकर आ जाना। भाभी ये कैसे बिल भरवाएगी? क्यों नहीं जाएगी, पैसे दिए तो हैं मैंने, फिर क्या मुश्किल है? नहीं भाभी, मेरा मतलब है इसने कभी ये काम नहीं किया तो उसको नहीं पता कहाँ जाना है क्या करना है। पहले नहीं कराया ना तो अब कर लेगी। यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटी तो नहीं तोड़वाएंगे इससे। भाभी आप रहने दे, मैं जाती हूँ। तुम जाओगी? इद्दत में भी चैन नहीं है तुम्हें? हाँ, थोड़े से दिन ही तो बाकी रह गए, सबर कर लो बीबी। पहले इद्दत तो पूरी कर लो, फिर दोनों माँ बेटी मिलके सारे काम कर लेना। वैसे भी सारी जिंदगी तुम दोनों ने तो हमारे ही सीने पे मूंग दलनी है। भाभी ये अकेली कैसे जाएगी, इसको कुछ नहीं पता। आपके पास इतने लोग हैं, फौज है। क्यों नहीं जा सकती है? तुम्हारी बेटी कोई छोटी बच्ची है जो एक बिल नहीं भरवा के लेकर आ सकती? यूनिवर्सिटी तो बड़ी खुशी खुशी जाती है। बेटी से काम ना करवाने की ना तो मैं भी 100-100 बहाने आते हैं। मैं भर आती हूँ। वक्त पे भर देना, आज बिजली के बिल की आखिरी तारीख है। ऐसा ना हो कि तुम बैंक पहुंचो और बैंक ही बंद हो जाए। बातें करवा लो उनसे। मैं कर रही थी ना बात, तुम्हें क्या जरूरत थी ये कहने की? उनकी बातें सुन के आपको लग रहा था कि वो मानेंगी? वो जानबूझकर हमें तंग करना चाहती हैं और कुछ नहीं। हाँ, जान के कर रही हैं वो ये। मैं भाई साहब से बात करूंगी, फौज है इनके पास, ये काम कोई भी कर सकता है। जान के उन्होंने तुम्हें कहा है? जो लड़कियां बेसहारा होती हैं ना, उन्हें लड़कों वाले भी काम करने ही पड़ते हैं। मत करो ऐसी बातें। अच्छा अभी मत जाओ, मैं खाना लेकर आऊँ। रहने दें, भूख नहीं है मुझे, पहले इस घर का नमक तो हलाल कर लें। मेरी बात सुनो, क्या ये नाराजगी खत्म नहीं हो सकती? क्यों, फरिश्तों ने ऊपर से आके मेरे लिए गवाही दे दी है कि मैं उसने सिर्फ बात कर रहा था, जो तुम्हें मेरी नाराजगी की फिक्र होने लगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है। किससे मसला है? उष्णा से? ना मतलब उसका, नफरत है मुझे उससे। उससे नफरत है तो उसके साथ तो मेरा भी तमाशा बना दोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम उसके साथ थे ही क्यों? जब मैंने तुम दोनों को साथ देखा ना तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम कुछ भी कहो सदफ, लेकिन तुमने मुझे हर्ट किया है। आई स्वेयर ये सिर्फ उष्णा की जेलसी में हुआ है और कुछ भी नहीं। एंड मैं वाकई सब कुछ फिक्स करना चाहती हूँ, लेकिन ये बातें यहाँ नहीं हो सकती। हम कहीं बाहर चले। आई वेट, आई विल वेट, यू हैव टू कम। क्या हुआ, ठीक हो? देखिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपनी जिद्दी तबीयत के हाथों मजबूर हैं, लेकिन अभी क्लोजिंग का टाइम है। अगर आप जिद में रहेंगी तो वक्त तो अलग से बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन तकलीफ भी होगी। सितम कर ये कुर्बत क्या करे। देर हो गई, अगर बिल नहीं भरा ना तो मोमानी जान आज जान निकाल देंगी मेरी। कैसे भरूंगी ये बिल? तो ये लाइन चल थी मेरे,
आज तो पक्का लेट जाएंगे। मैं आए? नो थैंक यू। देखिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपनी जिद्दी तबीयत के हाथों मजबूर हैं, लेकिन अभी क्लोजिंग का टाइम है, अगर आप जिद में रहेंगी तो वक्त तो अलग से बर्बाद होगा ही होगा लेकिन तकलीफ भी होगी। इट्स ओके, मैं ये तकलीफ उठा लूंगी, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। अंदर बैंक में काफी अच्छी जान पहचान है मेरी, दो मिनट में आपका काम हो जाएगा। इंसानी हमदर्दी के नाते ही कह रहा हूँ, ये बिल खा नहीं जाऊंगा मैं आपका। बहन आप भरवा लें बिल, काफी देर से खड़ी है। देखा, इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत बाकी है। वेल थैंक यू, थैंक यू। कहीं जा रही हो बेटा? आपको बताया था कि दोस्त की सालगिरह है। हाँ देखो थोड़ा भूल ही गई मैं। आपको कहाँ याद रहेंगी बेटी की बातें, अब घर में बहुत से लोग जो आ गए आपका ध्यान बिठाने के लिए। क्या तो तुम ठीक रही हो, जब से ये माँ बेटी इस घर में आई है ना, हमारा तो सारा सुकून गारत होकर रह गया। अरे भाड़ में जाइए लोग, पहले हर वक्त उष्णा की शक्ल यूनिवर्सिटी में देख देख के बोर हो जाती थी और अब हर घड़ी उसकी शक्ल देखने को मिलती है, खून खौलता है मेरा। अभी बस तुम जाओ और अपनी दोस्त की सालगिरह एंजॉय करो। अच्छा मुझे बताएं ये या ये बात, ये अच्छी लग रही है ना? मैंने भी ये सोचा था। लेकिन तुम जाओगी कैसे, सुफियान तो शायद घर पे नहीं है। हुज़ैफ़ा है ना, वो ड्रॉप कर देगा। हाँ ठीक है, पक्का ये वाले? हाँ ये अच्छे लग रहे। चलो खैरियत से जाना बेटा, अल्लाह हाफिज़। माफ नहीं करोगे? नहीं। I admit ना, it was my mistake. I don't want to talk about this. शिरोज़ प्लीज इतने सख्त भी मत बनो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं ऑलरेडी बहुत गिल्टी हूँ, अगर आंटी को कुछ हो जाता तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकती थी। जो सब इस तरह से बिहेव करके मेरे एहसास को मत बढ़ाओ, मैं ऑलरेडी बहुत टेंस हूँ। तुम चिल करो, किटी पार्टी करो, तुम्हें किसने कहा मुझे लेके टेंशन में हो? कैसे परेशान ना हो, आई लव यू शिरोज। अच्छा प्लीज सॉरी, मैं आंटी से भी माफी मांग लूंगी, फिर तो मान जाओगे ना? प्लीज। अच्छा अब तो नाराजगी दूर कर दो ना, तुम्हारी खातिर झूठ बोलकर आई हूं मैं। ना बोलती झूठ, किसने कहा था बोलने को? दूर करो ना नाराजगी, मैंने कहा था कि उष्णा की जेलसी में हो गया सब कुछ। ठीक है, इतनी मुश्किल से नामुमकिन को मुमकिन बनाया और तुम ही खुश नहीं हो। नामुमकिन था तो रहने देती, किसने कहा था? ऐसे कैसे ना कहती, तुम नाराज थे, मनाना तो बनता है ना। मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए ताईजान से तुम झूठ भी बोल लोगी? बिल्कुल, क्या तुम नहीं करते मुझसे मोहब्बत? ऑफ कोर्स करता हूँ। अगर मोहब्बत करते हो तो ये भी जान लो, मुझे तुम्हारा उष्णा से मिलना जुलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह से कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमारी आज तक लड़ाई नहीं हुई, बहुत जहर लगती है मुझे। पहले बताना था ना, मैंने कजन समझ के बात कर ली थी उससे। देख लिया ना, जरा सी मुलाकात ने कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर दी और ऊपर से भाई वो भी लड़ने लगे। सुफियान को तो मौका चाहिए, खैर आगे से केयरफुल रहूंगा। क्या हुआ, ठीक हो? क्या हुआ,
पानी लो, पानी लो, यू ओके? घर पहुंचो दोनों अभी। क्या मैं आ सकता हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो आपका घर है, आपको इजाजत की क्या जरूरत? तुम बिल भरने अकेली चली गई, मुझसे कह दिया होता मैं भर देता। अपने इख्तियारात और मेरी औकात जानने के बाद भी आप ये बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा कहें जिसे सुनकर मुझे हंसी ना आए। शायद आप यूनिवर्सिटी वाला वाकया भूल गए हैं। आए सुफियान, तुम यहाँ पर हो? मुझे पता होता मैं तुम्हारे लिए भी चाय ले आती, लेकिन ये चाय पियो, मैं अपने लिए और ले आऊँ। नहीं नहीं, मैं चाय पी चुका, मैं तो बस उष्णा से बातें करने चला। हाँ हाँ, तो बैठो ना, खड़े क्यों? अरे जाने दें इन्हें, कहीं किसी ने इन्हें हमारे कमरे में देख लिया तो फिर से आपकी तरबियत और मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठने लगेंगी। उष्णा, अरे तो पूछ क्यों नहीं रही हो, क्या कर रहे थे दोनों रेस्टोरेंट में एक साथ? रफाकत सदफ मुझसे पूछ के गई थी, उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, वहां गई थी और हुज़ैफ़ा ही तो छोड़ने गया था। तो फिर रेस्टोरेंट? वो पार्टी देर से शुरू हुई ना, तो हुज़ैफ़ा लेने के लिए आ गया, मैंने कुछ खाया नहीं था, बहुत भूख लग रही थी, तो उसने कहा कि रेस्टोरेंट जाके खाना खा लेते हैं। सुन लिया आपने, पहले आप बच्चों से पूछ तो लेते, कमाल करते, मुजरिम बना के सबके सामने खड़ा कर दिया आपने। बेचारे बच्चों को भूख लगी थी तो खाना खाने बैठ गए। क्या हो गया भाई साहब? देख बच्चे ठीक तो कह रहे हैं, ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? बिल्कुल, साथ पले बड़े हैं, साथ खेले हैं, खाना भी साथ खाते हैं, अगर बाहर खाना खाने चले गए तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई? आप लोग यहाँ सब खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? अपने अपने काम करें, मौका चाहिए सबको। चलो तुम। सच सच बताओ ये मामला है क्या? सच ही तो कह रही हूं, मुझे भूख लग गई थी तो। अब भी मेरी आंखों में सच और झूठ परखने की सलाहियत बाकी है बेटा, वो तो मैंने सबके सामने तुम्हारे बाप को ठंडा करने के लिए तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई। बताओ मुझे क्या बात है? मैंने बाहर जो कुछ भी कहा सच कहा है। ठीक है, तुम कहती हो कि ये सच है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मुझे भी औरों की तरह तुम्हारी चौकीदारी करनी पड़े ना, मैं ढूंढती हूँ कोई लड़का और तुम्हें रुख्सत करती हूँ। शादी की बात कहाँ से आ गई? इस तरह की हरकतें करोगी तो यही बात होगी ना। बात को बढ़ाना ना कोई आपसे सीखे, जान जो करना है करे, शादी तभी होगी जब मेरी मर्जी शामिल होगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी मर्जी कैसे शामिल नहीं होती। जान ले, जो दो खड़े भी इंसान अपने घर में सुकून या चैन से गुजार ले, हर जगह चौकी। कभी उष्णा के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाता है, कभी सदफ पकड़ी जाती है, ये चल क्या रहा है? ताही जान ने मुझे कहा था उसे ड्रॉप करने के लिए, बस वही कर रहा था। क्यों, सुफियान मर गया था जो तुम्हें जाना पड़ा? पहले सारे शक करते हैं मुझ पे, अब आप शक कर रही हैं मुझ पे। सदफ सिर्फ मेरी बहन की तरह है, मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था उसको ड्रॉप करके। सच बोल रहे हो? आपकी कसम। देखो ये लड़कियां तुम्हारे काबिल नहीं हैं, बहुत ही नालायक हैं दोनों, इन दोनों से दूर रहा कर। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम इस जैसी लड़कियों के साथ जुड़े। मैं अपनी बेटी की ऐसी जगह शादी करूंगी ना
कि दुल्हन देख के लोग जल जाएंगे। कोई लड़की है आपकी नजर में? आ जाएगी नजर। ज़ेफ़ा, सुबह सुबह किसका मानुष चेहरा देख लिया जो मनुष्यत खत्म ही नहीं हो रही है। कहो क्यों रोका है मुझे? जरूरत पेश आई इसीलिए रोका। मतलब? सदफ को रेस्टोरेंट क्यों लेके गए थे? ऊंचा सुनते हो क्या? सुनाई नहीं है था? सदफ ने जो सबके सामने कहा वही सच है। तुम्हें क्या बाला से लिख के दूं? लिख के मत दो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर इस घर की लड़कियों के बारे में तुमने जरा सा भी कुछ उल्टा सीधा सोचा ना तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। ओ मेरे एक्शन हीरो, रिलैक्स। तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर के हीरो और मैं विलन? तुम मुझे धमकाते रहोगे मैं डर के भागता रहूंगा? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, सिर्फ तुम्हें एक बात समझा रहा हूं कि इस घर की लड़कियों से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कौन लड़कियां? एक वो उष्णा जिसको लेकर तुम्हारी बहन सदफ ने इतना बड़ा तमाशा किया, और दूसरी तुम्हारी बहन सदफ जिसको मैं अपनी बहन समझता हूँ, और बहन के मुतालिक ऐसा सोचना मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है। अच्छा, सदफ को अपनी बहन समझते हो और उष्णा को? ये सवाल जाके तुम उष्णा से क्यों नहीं पूछते जिसके आगे पीछे मक्खी की तरह मंडलाते रहते हो? इसका जवाब तो तुम्हें वही बेहतर दे सकती है कि हमारे बीच में क्या है और क्या नहीं। भाई साहब, बच्चे जज्बाती हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं। अगर जुनैशा की इस हरकत पे आप लोग हर्ट हुए हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। नहीं नहीं, क्यों कह रहे हैं ऐसे आप भाई साहब? जुनैशा तो बहुत प्यारी बच्ची हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारी साहबजादे जज्बाती हैं, हम बात करेंगे उनसे। शहरोज इधर आइए बेटे। वसीम अंकल आए, सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे। वसीम भाई, ऑरेंज जूस लीजिए प्लीज। जी शुक्रिया, रख दो। शहरोज, क्या सुन रही हूं मैं? आप जूनी से बात नहीं कर रहे? अम्मी आप छोड़ देना इस बात को, ये एक तो इन्होंने पूरा दिन मेरा ख्याल रखा है, उस पर आप इनसे नाराज हो रहे हैं? नहीं नहीं बहन, जुनैशा को आपको इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी आंटी, मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरी गलती है, मुझे वाकई आपको इस तरह से छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। नहीं बेटे, आप बहू हैं मेरी, खिदमत गुजार नहीं है। अपना सारा काम छोड़ छाड़ के आप मेरे पास भागी भागी आई हैं, मेरा ख्याल रखा है। ही नीड्स टू अपोलोजाइज टू यू। मैं कुछ कह रही हूँ शहरोज। शहरोज ठीक है, आई एम सॉरी।
इतनी उदास क्यों? आप प्लीज जाएं यहां से। आपके घर में से किसी ने आपको मुझसे बातें करते हुए देख लिया तो फिर से मेरे किरदार पर उंगलियां उठाने लगेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। किसी के कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं जानता हूं तुम कैसी हो, तुम्हारा किरदार कैसा, और तुम्हें खुद भी मालूम है। कोई कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है? किला तो मुझे अपने नसीब से है। जो लोग लिखने लगे पता नहीं कौन से रास्ते पर कौन सा पत्थर मिल जाए। ट्रस्ट मी उसने, तुम्हारा नसीब बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज जाए ना यहाँ से, कोई देख लेगा। वो एक बात पूछनी थी तुमसे, ज़ैफ़ा अपने और तुम्हारे बारे में, यू नो व्हाट आई मीन, कुछ कह रहा था। ओह, मतलब कोई भी आकर आपसे मेरे बारे में आधा अधूरा सच कहेगा और आप उस बात को सच मानकर इस तरह आकर मुझसे सवाल जवाब करेंगे? नहीं, आपने और आपके घर वालों ने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं एक गिरे हुए किरदार की लड़की हूं और आपको इस गिरे हुए किरदार की लड़की से दूर ही रहना चाहिए। उष्णा प्लीज रुक जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। आप दुनिया की छोड़ें और अपने घर की फिक्र करें। अब क्या हो गया रईसा? हम इन दोनों को यहां इसलिए लेकर आए थे कि कहीं ये हमारी जायदाद से हिस्सा ना ले ले, लेकिन ये दो मां बेटियां तो नए नए तरीके ढूंढ रही हैं जायदाद में हिस्सा लेने के। अब हमारा बेटा काबू में कर लिया है अपने सुफियान को। सुफियान ही नाम है ना हमारे बेटे का। पहले उस लड़की के सामने मेरी बेइज्जती की, अब रात के इस वक्त उसकी दिलजोई कर रहा है। मैं बता रही हूं आपको रफाकत, ये दोनों मां बेटियां बहुत चलाक हैं। मैं करता हूं बात ज़ैनब से। अरे रहने दे, क्या बात करेंगे आप? दसवें भाग के आपको भी अपनी हमदर्दी में ले लेगी वो। शुजात नहीं हूं मैं। आप क्या हैं क्या नहीं है इस बात को तो छोड़ दे। आप इस उष्णा का रिश्ता कराएं और चलता करें इस घर से, इससे पहले कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाए। उष्णा का रिश्ता? आप लोग उष्णा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। इस लड़की ने आते ही घर में जो फसाद का बीज बोया है उसे मैं मजबूत दरख्त तो नहीं बनने दूंगी, पहले ही निकाल फेंकूंगी। और तुम्हें किसने कहा इस मामले में टांग अड़ाने को? आप लोगों को उष्णा का रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उष्णा को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। हाय हाय, सुन लिया आपने क्या कह रहा है ये? इसी दिन के लिए रोती थी मैं, सुन लिया आप? अरे चुप करो, शोर मत करो, बैठो इधर, बात करने दो मुझे। देखो साहबजादे, जैसा तुम चाहते हो ना ऐसा हम नहीं चाहते। बेहतर है कि आप भी अपने दिमाग से इस बात को निकाल ही दें। लेकिन बाबा, मैं उष्णा को बहुत पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आती? हाय उष्णा, तेरा बेड़ा गरक हो, बेटे को बाप के सामने ला खड़ा किया तूने मनुज। लेकिन मामा, इसमें बुराई क्या है? आप लोग कहीं ना कहीं तो मेरी शादी करेंगे ना, तो उष्णा से क्यों नहीं? बुराई तो है बेटा साहब, जिस लड़की के कहने में आके तुम अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ खड़े हो, इससे बड़ी और क्या बुराई होगी? लेकिन बाबा, इसमें तो उसका कोई कसूर भी नहीं है। वो तो उस बात से लाइल में कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ज्यादा तरफदारी नहीं कर रहा उसकी? जब कह दिया कि जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। जाओ यहां से, और आज के बाद अपने दिल में इस ख्याल को कभी आने भी मत देना। ठीक है बाबा, अगर आपका ये फैसला तो फिर मेरा फैसला भी सुन ले। अगर मेरी उष्णा से शादी नहीं हुई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। देखा आपने, देखा कैसे हमारे बेटे को हमारे खिलाफ ला खड़ा किया। दो दिन हुए इस लड़के को इस घर में आए हुए और उसके लिए घर छोड़ने की धमकी देके चला गया हमारा बेटा।
देख लूंगा इसे मैं। तुम सिर्फ रिश्ता ढूंढने की तैयारी करो, जल्द से जल्द। मैं सोचती हूँ कुछ जल्दी मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा।